देश को बर्बाद करना है तो मोदी को जिताना है, देश को बर्बाद करना है तब मोदी को जिताना है। अभी जितना भी प्रधानमंत्री बनने लायक है सब रिजेक्टेड है। हाँ। अभी प्रधानमंत्री बनने लायक एक वही है, ये है। जीतेंगे तो मोदी शान से और जान से भी। शान से और जान से कह रहे ना वकील साहब, सिलेंडर 600 का 1200 कर दिया पेट्रोल है? कोई बात नहीं। तो गांडे में क्या है इस बार का समीकरण? वहाँ तो उपचुनाव भी होने वाला है, कोडरमा के जीत रहा है। कोडरमा जीतेगा इंडिया गठबंधन। अरे गांडे? गांडे में जीतेगा जेएमएम। कल्पना जी जी, गांडे में लोग को पानी का बहुत परेशानी है, सुन रहे हैं पूरा एकदम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम गिरिडीह में हैं और यहाँ मुकाबला किसके किसके बीच है, लोग किसको अपना सांसद बनाना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री, वही जानने हम आए हैं। अभी हम फिलहाल गिरिडीह शहर में हैं और यहाँ कचहरी है। कचहरी में कतः सब 6-5 होता है। कैसे हो आम जी? 100 रुपये में 2 किलो भैया। वहाँ 100 रुपया में 3 किलो दे रहा है आप? 2 किलो उन्हें डंडी मार के देगा, यहाँ डंडी मारने फुल वजन मिलेगा। फुल वजन मिलेगा, गारंटी आप भी दे रहे हैं मोदी टाइप का? देंगे, गारंटी है भैया हम लोग का। यहाँ नहीं वजन मार रहे हैं, इसी में तो नहीं मारा, तोल के देख लीजिए। तोल के देखिए कैसा आम, खट्टा कि मीठा, खा के देखिए। अच्छा, किसका गारंटी पे आपको विश्वास लग रहा है, राहुल जी का कि मोदी जी का? हमको किसी पूछे वहाँ पूछे, किसका गारंटी है? जब विकास करेगा उसी का। पहले जीतेगा तब ना विकास करेगा। पहले बोल के जाता है, कहाँ होता है, सब झूठ बोलता है। सब झूठ बोलता है, तो घोषणा बना लेता, होता है कहाँ, घोषणा के अमल नहीं होता है। नहीं, ये सब ठगता है खाली नेता, ठगता है। देखिए कचहरी में सबको ठग रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ का हम लोग नहीं है, हम लोग गांडे के हैं। अरे तो गांडे में क्या है इस बार का समीकरण? वहाँ तो उपचुनाव भी होने वाला है, कोडरमा के जीत रहा है? कोडरमा जीतेगा इंडिया गठबंधन। अरे गांडे? गांडे में जीतेगा जेएमएम। कल्पना जी जी, गांडे में लोग को पानी का बहुत परेशानी है, सुन रहे हैं पूरा एकदम। पानी का परेशानी है कहीं कहीं पर, है ना? बाबा आप वोट देते हैं? हाँ। कई बार दे चुके हैं? इतना गिनती नहीं किए हैं। फिर भी कितना उम्र हुआ? उम्र हो रहा है 72 साल। 72 साल, मतलब मान लीजिए कि देश का आज़ादी के समय से दे रहे हैं। हाँ। हाँ। उस समय तो 21 साल था ना उम्र देने का वोट। क्या लग रहा है आपकी हवा बाजार आपको? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा? जीतेगा, ये तो बोल रहा है हार गया कोटा। वो तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम तो कहते बीजेपी जीतेगा। क्या है मोदी जी में, क्या खास है? खास है वो काम बढ़िया किया है। आए? अभी जितना भी प्रधानमंत्री बनने लायक है सब रिजेक्टेड है। हाँ। अभी प्रधानमंत्री बनने लायक एक वही है, ये है। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी को? आप वकील साहब? आपका परिचय क्या हुआ? हम पत्रकार हैं। अरे क्या नाम हुआ आपका? मनोज पांडे नाम हुआ। वाह वाह। देश को बर्बाद करना है तो मोदी को जिताना है। देश को बर्बाद करना है तब मोदी को जिताना है। देख रहे हैं चाचा। हाँ। वकील साहब का नॉलेज बिल्कुल, अपना अपना नॉलेज है, मत अपना है ना। देश सब भाषण चल रहा है, कांग्रेस ऊपर नहीं रहेगा। देश को बचाना है। हाँ? देश को बचाना है तो हम और आप हैं। देश बचेगा तो हम। हाँ। देश को गिरवी का रहते हैं। हाँ। हम लोग खत्म है, सब अरबपतियों का राज हो गया, सब अरबपति वाला का काम हो गया। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है जीतेगा के कांग्रेस आई जीतेगा। कांग्रेस आई जीतेगा? कांग्रेस आई अभी देखिए। वकील साहब आप व्यस्त है कहाँ? चुनाव में नेता भी व्यस्त है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वकालत क्या कह रहा है? ये तो मतदाताओं पर निर्भर करता है। वो तो सही बात है, लेकिन हवा बाजार तो आप लोग भाप ही लेते हैं ना? हवा बाजार तो अभी है मेरा कोडरमा संसदीय क्षेत्र में तो बीजेपी का है। अच्छा, और गांडे विधान उपचुनाव में? गांडे उपचुनाव में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मैं वहाँ का मतदाता नहीं हूँ। अच्छा, और यहाँ गिरिडीह में? गिरिडीह में तो एनडीए गठबंधन का ही सरकार बनने वाली है। केला छाप? केला छाप। आपका आवाज तो सुन रहे, नासिम से सुनते हैं आपका जी। चलिए धन्यवाद वकील साहब। क्या लग रहा है कौन है हवा बयार? कचहरी में कोई आया वकील लोग से मिलने? नेता अभी तो आए थे चंद्रमोहन पर।
क्या लग रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है यहाँ से? चंद्रमोहन बाबू ही चलेंगे, चंद्रमोहन बाबू ही निकलेंगे। चंद्रमोहन बाबू हाँ, दामोदर गोप नाम हुआ शायरी पढ़िए। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखता हूँ लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। वाह 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 शानदार है। हाँ रख ले नहीं इसको पॉकेट में रखेंगे। क्या लग रहा है आपका आवाज से पहचानने का अभी है? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गिरिडीह जिला से आए हैं, लेदा भरकटा से। अच्छा क्या लग रहा है हिसाब किताब इस बार कौन जीत रहा हार रहा है? जीतेंगे तो मोदी शान से और जान से भी। शान से जान से कह रहे ना वकील साहब, सिलेंडर 600 का 1200 कर दिया पेट्रोल है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देख रहे ये लोग वकील को ज्यादा पैसा नहीं देने खोजेगा, अब पेट्रोल ज्यादा दाम मिले सिलेंडर तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है वकील साहब आपका रणनीति? हम लोग का रणनीति यही है कि देश में इस बार सबसे बढ़िया लहर है, ठीक है, हम लोग सबसे आगे हैं। हम लोग हित की बात कही जा रही है, कानून बदला जा रहा है। अच्छा तो इससे जनता को फायदा होगा, ठीक है। तो मतलब कौन बदलने की बात कर रहा है? जनता बदलने की बात कर रहा है? नहीं नहीं तो किसका पक्ष में हम लोग बोल रहे थे हम समझ बोल तो रहे कि हम लोग कानून को चेंज किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, इसलिए मोदी जी फिर सत्ता में आएंगे और इससे जनता का भला होगा। सत्ता का भला होगा मोदी जी का। देखिए यहाँ कुछ और वकील साहब हैं, वकील तो सुनते हैं कि जन्म से नेता रहता है। क्या क्या जन्म अधिकार वकीलों के लिए? क्या लग रहा है क्या है हवा बयार? पूरा मोदी जी का लहर अभी है, पूरा मोदी जी का लहर है। मोदी है हवा बयार कचहरी का? कचहरी का बाजार ठीक चल रहा है। अब केस ज्यादा आ रहा है कि पहले केस ज्यादा आ रहा है? अभी केस नहीं आ रहा है, अभी इलेक्शन में सब लगल है। अच्छा अभी सब हम लोग चला रहे हैं तारीख पर तारीख। अच्छा सबको कहता है वोट के बाद आवेंगे। वोट के बाद वोट में के जीत रहा है इधर से? अभी तो हवा हाँ फूल चल रहा है, फूल का चल रहा है, फूल का चल रहा है। हाफ अ क्वार्टर में काम नहीं चलेगा नहीं। चलिए कहाँ से आप आए हैं? हम यही गिरिडीह का। गिरिडीह का क्या लग रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? चंद्र प्रकाश चौधरी जीतेगा। अच्छा वो तो बोरा कितना आदमी देखे नहीं किए 500 देखे हैं देखे हैं देखे हैं। देखिए ये कचहरी का हाल था, अब कहीं हम और आपको लेकर चलते हैं वहाँ दिलों में क्या चल रहा है पब्लिक का, किसको जिताना किसको हराना चाह रही है पब्लिक, क्या सोचती है चुनाव के बारे में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम followup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in